देखिए कितना मखमली है इसका टेक्सचर, जो मुंह में रखते ही बिल्कुल आइसक्रीम की तरह घुल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ रक्षाबंधन स्पेशल एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मिठाई इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है, मुंह में रखते ही जो घुल जाएगी, और इसे बनाने के सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। और इसे आप 15 दिन या महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मौसम ठंडा है तो बाहर भी रह जाएगी या फ्रिज के अंदर भी इसे रख सकते हो। तो इस रक्षाबंधन पर बिना मावा बिना खोया एकदम सस्ते दाम में बढ़िया मिठाई बना के तैयार करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर ये आप थोड़ा भी गड़बड़ कर देते हो तो मिठाई के टेक्सचर में भी फर्क पड़ेगा। इसके लिए 2 कटोरी जितनी मैंने सूजी ली है, आप बीच में स्टील की कटोरी देख रहे हो, उसी कटोरी से नाप के सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है। तो 2 कटोरी जितनी यहाँ पे हमने सूजी ली है, जो कि बारीक वाली सूजी है। 1 कटोरी जितना ये डेसिकेटेड कोकोनट है। 1 कटोरी और आधा कटोरी, लगभग 1.5 कटोरी जितनी यहाँ पे हम चीनी ले रहे हैं। और 1 कटोरी जितना घी, जो कि हमने मेल्ट करके लिया है ताकि मेजरमेंट बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने इसी कटोरी से लेवल करके नापी थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा दबा के मैंने इसको भरा और फिर नापा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप चाहे ग्लास ले लीजिए, कोई मेजरिंग कप ले लीजिए, चाय का कप ले लीजिए, मेजरमेंट्स आपको ध्यान में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक पैन, और इसके अंदर हम डालेंगे घी। थोड़ा सा घी बचा के रख रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही यूज़ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अब हमारा दूसरा ज़रूरी पॉइंट ये है कि सूजी घी में मिलाने से पहले घी गर्म ही होना चाहिए। मैंने आपके साथ सूजी हलवा की रेसिपी शेयर की है, सूजी बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर की है। हमेशा ही मैंने आपको कहा है कि ठंडे घी में सूजी को मत डाला करें, उसको गर्म हो जाने दीजिए। फ़र्क आपने खुद देखा होगा, सूजी घी में जाते ही फूल जाती है, और यही तो हमें चाहिए। तो अभी ये 2 कटोरी जितनी सूजी मैंने एक साथ ही डाल दी है। शायद आपको अभी लग सकता है कि कहीं ये घी कम ना पड़ जाए, लेकिन जैसे जैसे सूजी भूनते जाएगी, घी अपने आप से थोड़ा सा सेपरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें ना करें। तो जितना घी मैंने डाला था, लगभग 1 कटोरी मैंने मेल्ट करके लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने बचा लिया, मान के चलिए 3-4 चम्मच बचा लिया और पूरा यूज़ कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी जो बचा हुआ घी है वो फिर से लगेगा। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, सूजी घी में अच्छे से कोट हो चुकी हैं। तो हम सूजी को भून रहे हैं लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, लगभग हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमें इसका ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, बस आपको एक स्मेल आएगी, बढ़िया भुनने की खुशबू आ जाती है, तभी तक हम इसको भुनेंगे। और इस प्रोसेस में आपको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। सूजी भून चुकी है, इस समय हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी जितना जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था वो। इसे आपने सूजी भुनने के बाद आखिर में ही डालना है, ये इसलिए क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आप गीला नारियल ले रहे हैं तो उसका ब्राउन पार्ट आपने निकाल लेना है, फिर नारियल को आप थोड़ा कद्दूकस कर ले, चाहे तो मिक्सी में भी चला सकते हो, फिर उसके पाउडर को आप थोड़ा भून सकते हो, अलग से, सूजी के साथ नहीं, अलग भूनना पड़ेगा अगर नारियल गीला ले रहे तो। और अगर सूखा ले रहे ऐसा तो उसको बिल्कुल आखिर में डालें। बस 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बस इसको थोड़ा सा सूजी के साथ आपने गर्म कर लेना है, और ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डन हैं। और इसे एक परात के अंदर आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। हम चौड़े बर्तन में इसलिए इसको निकाल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो सके, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इस सेम पैन के अंदर मैं ले रही हूँ चीनी, जो कि हमने 1 कटोरी प्लस आधा कटोरी जितनी ली है। लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी, लड्डू तो बहुत ही बढ़िया बने थे, मिठाई ये वाली, लेकिन घर में सब ने कहा कि थोड़ा उनको एक्स्ट्रा मीठा लगा, तो चाहे तो आप चीनी को थोड़ा कम कर सकते हो। चीनी डालने के बाद उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी जितना पानी मैंने डाल दिया। अब सबसे पहले तो चीनी पानी के अंदर घुलेगी, फिर जाके उबलेगी, और फिर जाके बनेगा 1 तार वाला सिरप। उसे चेक करने का परफेक्ट तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। लड्डू या मिठाई में ऐसा मखमली टेक्सचर अगर आप चाहते हैं, तो ये चाशनी बनाते टाइम आपको कहाँ रुक जाना है, गैस को बंद कर देना है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और सिरप भी उबलना शुरू हो चुका है। अब आप इन बबल्स के ऊपर ध्यान देते रहें, ये बबल्स धीरे धीरे बड़े बड़े होते जाएंगे। या सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, हमारा शुगर सिरप जब से बॉयल हो रहा था ना, जिस पॉइंट से, उस टाइम से लेकर आगे के लगभग 3 मिनट बाद, हाई फ्लेम पर उबलने के बाद आपको चेक करते रहना है कि ये बना या नहीं बना। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए चम्मच या स्पैचुला के ऊपर आपने नज़र रखनी है। जो आखिरी बूंद गिरती है ना, वो अपने साथ तार को बना के गिरती है, हल्की सी तार बनती है, बिल्कुल नाजुक सी। अगर ये तार बहुत ज़्यादा पक्की है
तो इसका मतलब आपकी मिठाई और लड्डू बहुत ही सख्त और कड़े बनेंगे, सुपर सॉफ्ट टेक्सचर उनको नहीं आएगा। या तो आप प्लेट में ले लीजिए, हाथों में चेक करके देखिए, देखिए मेरी उंगलियों के बीच में तार बन रही है लेकिन बहुत जल्दी टूट जा रही है, काफ़ी नाजुक सी तार है। तो इसको तो हम एक स्ट्रिंग वाला शुगर सिरप कहेंगे, एक तार वाली चाशनी तो यह है लेकिन बिल्कुल नाजुक है, तो इसी से आपको मिलेगा वो मखमली सुपर सॉफ्ट टेक्सचर। और बस ये जो सिरप है, गरम गरम सिरप, आपको ये जो सूजी और नारियल का मिक्सचर था ना, इसमें डालना है बिल्कुल गरम सिरप। अब ये पैन के साइड में जो चिपकी हुई शुगर है, इसको खरोच के इस लड्डू के मिक्सचर में ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज शुगर है, ये हमें इसमें नहीं डालनी, ठीक है। जितना सिरप अभी आ गया है आ गया, तभी तो ये सूजी बिल्कुल अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि जब हम सूजी को भूनते हैं ना, सूजी के दाने फूल जाते हैं और जब वो गर्म सिरप के अंदर जाएंगे तो वो बिल्कुल सिरप को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा क्या इसमें सूजी थी या मावा था या मैदा था, कोई पहचान नहीं पाएगा। मिठाई का स्वाद, मिठाई का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अभी आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला है, पता नहीं इसकी मिठाई या बर्फी कैसे बनाएंगे, बनेगी। लेकिन उससे पहले हमारी आज की मिठाई को थोड़ा फेस्टिवल वाला लुक आए, इसलिए मैं ये पिंक फूड कलर का इस्तेमाल करूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप वाइट भी रख सकते हो। और गरम सिरप में मैंने आपको डालने के लिए इसलिए बताया था फ्रेंड्स, क्योंकि फटाक से सूजी इस सिरप को एब्जॉर्ब कर लेती है और मिक्सचर जैसे जैसे इसको हवा लगती है ये ठंडा होते जाता है, ये जल्दी जल्दी गाढ़ा होते जाता है। आपने ये दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल ठंडा कर दिया ना, तो इसको सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपको पूरी रात इंतज़ार करना पड़े इसके सेट होने का या जमने का। तो ये मिक्सचर कुछ इस हद तक ठंडा होने में लगभग अब एक घंटा हो चुका है, एक घंटे बाद अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। आप अगर इसकी बर्फी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे लेवल करके इसको लगा सकते हैं, फिर जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, फिर आप इसे काट सकते हैं, तो ये आपकी सूजी नारियल की बर्फी भी बन जाएगी। अगर आपको बर्फी फॉर्म में सेट करना हो तो इस स्टेज पर आपको थाली में इसको सेट कर देना पड़ेगा, या अभी अगर आपको इसके लड्डू या इसको रोल वाला शेप देना हो तो हमें और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, या जब ऐसा टेक्सचर आ जाए तब आप बिल्कुल आराम से इसके लड्डू बांध सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या परफेक्ट टेक्सचर है इसका, सूजी का एक सिंगल दाना तक नज़र नहीं आ रहा है, कितना सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है कि हमने मावा या मिल्क पाउडर कुछ तो इसमें यूज़ किया होगा। और ये टेक्सचर आने में आपको लगभग एक्स्ट्रा एक घंटा या आधा घंटा लगेगा, डिपेंड करता है कि मिक्सचर या सिरप आपने किस हद तक पकाया था। लड्डू बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी, बस एक ही हाथ से आप लड्डू बांध पाओगे, इतने ज़्यादा ये मखमली टेक्सचर के बनेंगे। तो आप इस रक्षाबंधन मेरी बताई गई टिप्स से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।